हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो बात करते हैं यहाँ पे 30 लीग मैच के बाद पीएसएल टूर्नामेंट का प्ले ऑफ स्टार्ट हो चुका है, जो कि चार टॉप टीमों ने क्वालिफाई किया, जो कि 14 मार्च को पहला क्वालिफाई मैच खेला जाएगा, जिसमें टूर्नामेंट की दो सबसे टॉप टीम आमने सामने होगी, जिसमें एक तरफ आपको मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान देखने को मिलेगी, तो वही दूसरी तरफ हमें बाबर आजम की पेशावर जालमी। इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में एंट्री कर जाएगी और हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा फाइनल में जाने का। तो यह मैच आपको 14 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहां पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 77% रहेंगे, वहीं टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनका विनिंग परसेंट देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 23% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 77% जीतने का चांस है। वहीं अगर बात करेंगे इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 179 है, तो वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 161 है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान 7 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे पेशावर जालमी 3 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए, हमारे स्क्रीन पे वीडियो भाई का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं पहली टीम यानी मुल्तान सुल्तान का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हर एक मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही, जो कि टॉप पर भी है। लास्ट एक दो मैच टीम हारी बट लेकिन उसके बावजूद टीम ने अब तक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया। टीम ने टोटल 10 मैच खेले जिसमें से 7 मैच जीतकर टीम पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल है। वहीं टीम के कैप्टन की बात करें, जो कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, जो कि लास्ट गेम में टीम ने क्वेटा को हराया था। ओपनिंग में इस वक्त रिजवान है यासिर खान की जोड़ी देखने को मिल रही है, जो कि मोहम्मद रिजवान टीम के लीडिंग रन स्कोर बैट्समैन भी है। उन्होंने 10 इनिंग में 366 रन बनाए, जहां पे नंबर 3 पे आपको उस्मान खान जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, महज 5 इनिंग में 2 शतक के साथ उन्होंने 337 रन बना दिए। नंबर 4 पे जहां पे जॉनसन चार्ली जो कि लास्ट गेम में 53 रन बनाए थे। लॉर्ड ऑर्डर में जहां पे इफ्तिकार अहमद है वो भी तहलका मचा रहे हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करूं तो टीम ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, इंग्लैंड के जहां पे डेविड विलियन, क्रिस जॉर्डन विकेट भी ले रहे हैं, विली ने लास्ट गेम में 3 विकेट लिया था। वहीं शामा मिर्जो टीम के टॉप बॉलर है, उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 21 विकेट लिए हैं अभी तक ओवरऑल मैच में। वहीं मोहम्मद अली ने भी 17 विकेट ले चुके हैं, अब्बास अफरीदी ने अभी 2 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे मोहम्मद रिजवान है जो कि कप्तान विकेट कीपर दोनों है, उस्मान खान है, यसीर खान है, जॉनसन चार्ली है, इफ्तिकार अहमद है, तैयब ताही है, डेविड विली है, मोहम्मद अली है, शामा मीर, अब्बास अफरीदी है और क्रिस जॉर्डन है। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें जो कि मोहम्मद रिजवान है, उस्मान खान है और शामा मीर है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी पेशावर जालमी का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे बाबर आजम की टीम ने टूर्नामेंट का स्लो स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद टीम ने जबरदस्त स्पीड पकड़ी, जिसको पीछे छोड़कर सबको हराकर आगे निकल गई। टीम 13 पॉइंट के साथ टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है, जिसके चलते टीम को 2 चांस मिलेगा। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि बाबर आजम है, जो इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में है, उन्होंने अब तक 10 मैच में 498 रन बनाए और टूर्नामेंट में लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं अगर ओपनिंग में बात करें तो जहां पे सैम अरूप के साथ बाबर आजम की जोड़ी देखने को मिल रही है, वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो मोहम्मद हैरिस है, हसीबुल्ला खान जो कि एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिनिशिंग टच के लिए आपको रोवन पवन, कॉलर कैटमोर जो टीम में रन बने हुए हैं। वहीं रोवन पवन 9 इनिंग में 214 रन बनाए। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रही है टीम, जो कि मेहरान मुमताज जो कि लास्ट गेम में विकेट लेस थे, अफगानिस्तान का जहाँ पे नवीन उलग जो कि इफेक्टिव लाइन लेंथ से बॉल भी डाल रहे हैं, इंग्लैंड का जहाँ पे लुक वुड ने 9 मैच में 11 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है, जहाँ पे अमर जमे जो कि लाइन टॉप क्वालिटी स्पेल डाल रहे हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में देखते हैं, जहाँ पे सैम अयूब है, बाबर आजम है, हसीबुल्ला खान है, मोहम्मद हैरिस है, कॉलर कैटमोर है, रोवन पॉवेल है, नवीन उलग के लुक वुड है, अमर जमेल है, एम एल खान है, मेहरान मुमताज है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जो कि बाबर आजम है, सैम अयूब है, लुक वुड है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बात करते हैं इनके विनर की ओर चलते, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पे मुल्तान सुल्तान होगा, यहाँ पे टावर जालमी को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।